बारिश के मौसम में लोग तैयार रहते हैं, अपनी तैयारी से रहते हैं, लेकिन इस बेमौसम और आपातकालीन स्थिति जनपद के अंदर बन गई है। जनपद में बांगरमऊ से लेकर और भगवान नगर बक्सर तक सारा क्षेत्र प्रभावित हो गया है। कटरी में हमारा सबसे ज्यादा किसान गरीब किसान रहता है, जो धान की खेती पर, जो मूंगफली की खेती पर और जो तमाम सब्जियों की खेती पर आधारित किसान है। आज किसान त्राहिमाम कर रहा है। जिस दिन जल स्तर बढ़ा था, सबसे पहले मैं जयपुर रविदास नगर पहुंचा था और मैंने जिलाधिकारी महोदय और सारे अधिकारियों से वार्ता की थी कि बाढ़ के प्रबंधन कर लिया जाए और बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। लेकिन इस क्षेत्र में मुझे बड़ा दुख है कि जब दीपावली का त्यौहार सन्निकट है, त्यौहार के समय पर धान की फसल पर सारे हमारे जितने किसान हैं वो अपनी फसलों पर आधारित है, उनका जीवन फसल पर आधारित है। उस विषम परिस्थितियों में सरकार द्वारा उचित कदम न उठाया जाना एक निंदनीय काम है। और हमारी मांग है कि जनपद के अंदर जिस तरह से किसी भी गांव क्षेत्र के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और वहाँ के सम्मानित जितनी नागरिक हैं बाढ़ पीड़ित, उनको ये नहीं पता है कि अधिकारियों के पास जाए, तो हमने मांग की है कि अधिकारियों के नंबर जल्दी प्रकाशित करे सरकार और उन क्षेत्र में उन गांव के लोगों को नंबर मुहैया कराए और मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक गांव में सरकार का एक सरकारी कर्मचारी वहाँ पर रहे जो वहाँ की मॉनिटरिंग करे। हमारी मांग है आश्रय स्थल व्यवस्थित कर दिए जाए, दवाइयों की व्यवस्था कर दी जाए और जो राहत सामग्री आज की तारीख तक सरकार की तरफ से नहीं पहुंची है, तत्काल राहत सामग्री की व्यवस्था की जाए। हम एक मांग और करेंगे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरीके से जनता जनार्दन परेशान है और सरकार के जितने नुमाइंदे हैं वो मदमस्त हैं, उनकी आंख खुले और उसी जनता जनार्दन ने सरकार की सरकार को बनाया था जो बाढ़ से पीड़ित है, सरकार तुरंत मुहैया कराए कदम। और हम समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव में जाकर उनको राहत सामग्री देने का काम कर रहे हैं और लगातार करेंगे। आज मैं भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने बराबर जा रहा हूं और जिन गांवों में जो समस्या होगी सरकार से हल कराने वाली होगी, सरकार से हल कराई जाएगी और सरकार अक्षम होगी तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गाँव में जाकर उनकी हर संभव मदद, उनको भोजन की व्यवस्था, उनको उचित रहने की व्यवस्था और उनका जीवन कैसे सुरक्षित रहे, ये समाजवादी पार्टी के लोग चिंता करते हुए उनके जीवन को बचाने का भी काम करेंगे। तो मैंने आज जनपद के अपने सभी समाज